हेलो, हाय एवरीवन। फिर मैं एक बार आपके पास आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने क्या क्या स्टार्ट किया था? सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स के दो लेक्चर मैं आपके ले चुका हूँ, ठीक है। और उसके अंदर ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर के बारे में डिस्कस करना था। देन उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कुछ बच्चों ने मुझसे बोला कि सर, अब जेई मेंस के लिए बहुत कम टाइम बच गया है, बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा क्या करें सर। कोई इशू नहीं बेटा, जस्ट रिलैक्स, अपना काम बढ़ा दो। एक बात बताइए, किसी कंपनी में जब प्रोडक्शन का टाइम आता है तो कंपनी क्या करती है? वर्कर्स बढ़ा देती है। रोती थोड़ी ना है, अरे यार कैसे होगा, मुझे इतना बना के देना है। कंपनी क्या करती है? वर्कर्स बुला देती है, वो टाइम देती है वर्कर्स को कि तुम ज्यादा काम करो, पैसा ज्यादा देंगे हम। सेम उसी तरीके से आप ज्यादा काम करो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जैसे मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ आपके लिए काम, जो काम कर रहा था उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, दो तीन काम एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। आप दो तीन काम और करिए। आप नंबर फर्स्ट नोट्स अच्छे से बनाइए। जो पढ़ रहे हैं आप, उसको ऐसा पढ़िए, ऐसा लिखिए कि वो जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ उसके 2 दिन पहले जब आप पढ़ो तो हर चीज आपको याद आ जाए। ऐसा नहीं कि वहां उस समय आप बोलो कि यार हमारे पास तो कोई नोट्स ही नहीं है, हम कैसे मार्क्स लाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ऑर्थो सेंटर, मैंने आपसे कहा था इसकी शॉर्टकट देखना। मैं आज आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ाने नहीं आया, आपके पास ऑर्थो सेंटर ऑलरेडी है, आपको सब पता है ऑर्थो सेंटर के बारे में, आपने 11th क्लास में ऑर्थो सेंटर पढ़ा है। फिर भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जेई मेंस में एडवांस में इस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं स्पेशली पहले कर रहा हूँ डिस्कस। द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। यानी मतलब सीधी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, बिल्कुल आराम से देख लो, इधर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। इसके एक्स वन वाई वन आपके पास गिवन है, एक्स टू वाई टू आपके पास गिवन है, एक्स थ्री वाई थ्री आपके पास गिवन है। ए से अपोजिट लाइन पे परपेंडिकुलर, ना कि मिड पॉइंट। बी से अपोजिट लाइन पे परपेंडिकुलर, ना कि मिड पॉइंट। सी से अपोजिट लाइन पे परपेंडिकुलर, ना कि मिड पॉइंट। दैट मींस जहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट करे वो ऑर्थो सेंटर होता है। क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। मैं आपको बता देता हूँ, आप बोलोगे सर मजा आ गया, कितनी अच्छी बात। इधर देखिए, लिखना दूर की बात है, पहले इधर से हाथ से सुन लो। स्कूल में कैसे किया था आप लोगों ने, मैं बता देता हूँ कैसे किया था, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले आपने देखा होगा कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी का स्लोप फाइंड आउट कर लो। स्लोप के लिए ये दो पॉइंट होने चाहिए, इसका स्लोप निकालो, इस पे परपेंडिकुलर है तो एम वन एम टू इक्वल टू -1, तो इससे आप ये वाली लाइन का ए डी का स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए डी आ जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट है, स्लोप है, क्या निकाल लोगे? इक्वेशन पॉइंट फॉर्म से, क्या याद है? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एडी की इक्वेशन आ जाएगी। सेम इसका स्लोप निकाल लो, इस पे परपेंडिकुलर तो बी सी बीई का स्लोप आ जाएगा, और स्लोप और ये पॉइंट है तो इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ गया? ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला, समझ गए दोस्तों? ये तो एक ऐसा मेथड है जिसमें थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है प्रोसेस, बट मैं आपको एक इतना सुंदर मेथड बताने वाला हूं, आप बोलोगे सर मजा आ गया, ठीक है दोस्तों। फाइंड द ऑर्थो सेंटर, इसकी ट्रिक देखने के बाद आप डिसाइड करना कि आपको क्लास पूरी पढ़ना है नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सुंदर ट्रिक लेके आया हूँ आपके पास। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स पॉइंट्स
0.001238। समझ गए दोस्तों? सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वाओ, मेरा ये शॉर्टकट, कुछ नहीं करना। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, इस शॉर्टकट में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसका एक कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 0 होना चाहिए। एक्स वन वाई वन नहीं है तो हम बना लेंगे एक्स टू वाई टू, एक्स टू वाई टू। आपको डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं है इसमें ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए। चलिए मैं बता देता हूँ ऑर्थो सेंटर। देखिए मेरे बच्चे, इधर देखिए, इधर क्यू वाई टू माइनस वाई वन कॉमा माइनस क्यू एक्स टू माइनस एक्स वन, खत्म। वाई क्यू वाई टू माइनस वाई वन माइनस कॉमा क्यू एक्स टू माइनस एक्स वन। दोस्तों क्यू क्या होता है? बोले सर सिंपल बात है, एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू अपॉन एक्स वन एक्स एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई, खत्म बात। इतना सा काम है, सेकंड में आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों कैसे होता है वो सुनिएगा आप। पहले q फाइंड आउट कर लो। q x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन अपॉन ये क्या लिखूंगा भैया, x1 कितना है 1, y2 कितना है 8 माइनस 3 इंटू 2। क्लियर आंसर? आई थिंक 19/2 आ गया, बस हो गया ऑर्थो सेंटर। कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन इतना सेकंड में सॉल्व होगा सर, पता ही नहीं था। 19/2 वाई टू, वाई टू का मतलब क्या होता है? 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का मतलब 6 कॉमा माइनस 19/2, एक्स टू माइनस एक्स वन 3 माइनस 1 2। तो दोस्तों ये कैंसिल हो गया, बोलो ये 3 आ गया, समझ में आ गया। तो इसका आंसर 57 आई थिंक कॉमा माइनस 19। ये आपका ऑर्थो सेंटर रेडी। समझ गए दोस्तों? ये शॉर्टकट, कुछ नहीं करना है। q कॉमा वाई टू माइनस वाई वन माइनस q कॉमा कॉमा माइनस q इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। ये मैंने q निकाल लिया, एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू अपॉन एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन। समझ गए दोस्तों? बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, और तो सेंटर पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, वाओ, बोले सर कितना अच्छी बात आपने हमें सिखाई, मजा आ गया। वाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ऑर्थो सेंटर, क्वेश्चन यही है, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -3, 6, 1 और आगे आपका 4, -1। ठीक है दोस्तों? ठीक है, और जो आप ये पढ़ रहे हैं बेटा, इधर देखो, इधर ये कोई मेथड नहीं है, शॉर्टकट है, समझे? मेथड बाद में आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, सर आपने तो कहा था कि एक कोऑर्डिनेट 0 0 होगा तभी जाके होगा। ठीक है दोस्त, एक काम करो, इधर देखिए, इधर देखो मेरे, कह दो एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, इधर देखिए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट बी 1, -3। इसका मतलब क्या है सर? सी 4, -1। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इधर का ही आना चाहिए ऐसा। मैंने एक्सिस पे बनाया जानबूझ के ए 6, 1। कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ।
बोले सर क्या दिखाना चाहते हो आप, ये इस पूरे ट्रायंगल को ओरिजिन पे शिफ्ट कर देते, इस पूरे ट्रायंगल को काय पे शिफ्ट कर देते, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए इसी नंबर इसी कोऑर्डिनेट को सभी से माइनस कर दो। हम जैसे ये देखो ये ऐसा हो जाएगा, देखो इधर एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस ये आ जाएगा, यहाँ तो 0 0 आएगा ही आएगा, मैं बताऊंगा कैसे आएगा, और ऐसा कुछ आ जाएगा, समझ गए कैसे सर मेरे को बताइए आप। इसी से इसको माइनस करूंगा तो 0,0 आ जाएगा, अब इसी से इसको माइनस करूंगा, देखिए इधर 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, अब -1 माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं समझे आप, -1 माइनस करूंगा -3 को, -1 + 3 कितना आंसर आ जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा। एक बार शांति से समझ लो सब सही हो जाएगा, ये सी हो गया, ये बी हो गया, और ये ए कोऑर्डिनेट, फिर इसी को तीनों से माइनस करना है, 6 - 1 का मतलब क्या हो गया 5, 1 + हो जाएगा 4। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब आपको समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यू कैसे फाइंड आउट करते हो सर? x1 x2 + y1 y2 / x1 y2 - x2 y1 ये आ गया, q = x1 x2, किसी को भी लिख लो x1 y1 x2 y2, क्योंकि मॉडुलस से तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। x1 x2 मतलब कितना हो गया 15, y1 y2 मतलब 8, अपॉन x1 y2 मींस 10, डायगनली इसको कर ले 12 आ जाएगा, दैट मींस आंसर ये ऊपर का 23 आ जाएगा, और ये कितना बचेगा -2, आंसर यही है ना मेरे ख्याल से पक्का 23/2। अब देखिए दोस्त, अब ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपने पढ़े हुए हैं, क्यू वाई टू माइनस वाई वन कॉमा -q x2 - x1, और अगर ट्रिक शानदार लगी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। y2 - y1 का मतलब इधर देखो, इधर अभी कंप्लीट करने दो, y2 - y1 का मतलब -2, अरे भाई y2 कितना है 2 - 4, -q x2 - x1 3 - 5 - 2। अब देखना इधर q का मतलब क्या है, तो भाई साहब 23/2, इसे 2 से 2 गया 2 से 2 गया, तो आंसर क्या होगा -23, 23। ये आंसर आने के बाद वापस से प्लस कर देना, वापस से किसको शिफ्ट कर देना, किसको शिफ्ट कर देना उसी को 1 - 3 से, समझ में आ गया नहीं आ गया, तो वापस शिफ्ट हो जाएगा। इसमें आपने माइनस करा था ओरिजिन पे लाने के लिए, और वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए 1 - 3 से ऐड कर दो, तो -23 + 1 23 - 3 आंसर 22,20, ये ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट हो गया। और ये बहुत ही जबरदस्त 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 बात हो गई, और अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताइएगा, जिससे आपको बहुत मजा आना है। ठीक है दोस्तों, मैं मिटाऊ इसे रफ कर दूं, आप वीडियो पॉज करो और नोट करो, जरूर नोट करना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाह रहा हूं अपने तरफ से इधर, है ना, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये AIEEE में भी आ चुका है बेटा, 13 या 12 में आ चुका है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 0 0 8 0 4 6 and 4 6 इज, फर्स्ट ऑप्शन 4,8/3, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, समझ में आ गया? 3 4 4 3, और डी ऑप्शन है -3 4। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करिए सर, ये तो मैं कर लूंगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया तो क्या हो जाएगा x1, बोलो ना यार, x1 y1 x2 y2। इधर देखो दोस्त, इधर देखो, इधर मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, मेरे बच्चे
जब मैं देख लेता हूँ मेरे स्टूडेंट को सब आने लगता है तो फिर मैं दूसरी तरीके पे ट्रांसफर हो जाता हूँ। यहाँ देखिए 0 0 आ गया, अब 8 0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। इधर देखो, इधर देखो, और तो मालूम है ए पर क्या आएगा, 4 6 आएगा। ये बी है और ये सी है, मान लो। चलो लिख दिया तो लिख दिया। सर सर मुझे एक काम करना है, इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है। एक तरीका तो आपने मुझे बता दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सीख लिया। आपने बताया क्यू वाई टू माइनस वाई वन माइनस। अब मैं इसके तरीके से नहीं बताऊंगा क्यों, क्योंकि कंप्लीट एक्सिस पे बना है। एक्सिस पे बनने की वजह से मैं इसे एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूँ, उस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। देखो बेटा, ए से इस पर मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, ऑर्थो सेंटर में यही होता। और बी से इस पर परपेंडिकुलर डाल दूंगा। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यार, सॉरी, मैंने ये इंटरसेक्शन, ये ऑर्थो सेंटर निकालना है, ये परपेंडिकुलर डी है, ये ई है। मेरी बात सुनना बेटा, अब सुन, तेरे को बड़ा मजा आएगा। ये क्या होता है बेटा, अगर किसके पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो लाइन क्या हो गया भाई, ये बोलो ना यार। एक्स इक्वल टू ए होता है, तो ये वाई, ये देखिए इधर एक्स है, ये तो ये पूरा एक्स है, तो एक्स कॉमा अल्फा। यहाँ ये कांस्टेंट डिस्टेंस है ना एक्स, तो 4 तो आएगा ही आएगा आंसर में। इसका मतलब क्या बोल रहे हो सर, आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब ये और ये नहीं होगा, जिसमें एक्स की वैल्यू 3 है और -3 है। यस बेटा, पर यस ऑप्शन कम करना आना चाहिए। अब तुम्हारे पास ये दोनों, अब तुम्हें सेलेक्ट करना है कौन सा है। आ जाओ, मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, आ जाओ शुरू करते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कर लेंगे हम। मेरी एक बात मानो, सुनो 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 सुनो, इस लाइन का स्लोप निकालो। स्लोप, आप लोगों ने स्लोप पढ़ा होगा ना, ऑफ अल्ला, स्लोप ऑफ AC लिख लो। क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब बता, एक काम करो ना, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू ले लो। तो बताओ क्या होगा, 6 -0 अपॉन 4 -0। मैं बहुत ही आराम से करूंगा आपके लिए, ध्यान रखना। अब बेटा लाइन है, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करो। बोले सर कैसे हो सकता है, यहाँ का तो पॉइंट ही नहीं है। लेकिन स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी दो पॉइंट्स मिल जाए, एक इधर एक इधर एक इधर, कहीं भी दो मिल जाए, वो पूरी लाइन का स्लोप फाइंड आउट हो जाता है। तो याद रखना, स्लोप ऑफ बी ओ लिख दो या फिर बी ई लिख दो, बात एक ही है, समझ गए। वाई टू माइनस वाई वन, ये इसे एक काम करो, एक्स वन वाई वन, इसे एक्स टू वाई टू मान लो। तो वाई टू माइनस वाई वन, अल्फा -0 अपॉन 4 -8। तो आंसर क्या होगा, 8 अपॉन -4। अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, बोलोगे अरे वाह सर क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओ, BE इज परपेंडिकुलर टू AC, नॉलेज बढ़ा रहा हूं। BE इज परपेंडिकुलर टू AC, तो AC होता है, तो M1 M2 इक्वल टू क्या हो जाता है, -1। अब BE का स्लोप क्या है, बोले सर ये है ना -α/4, और AC का स्लोप क्या है, 3/2 इक्वल टू माइनस, माइनस से माइनस गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 8/3। अरे बोले यार, ऑर्थो सेंटर 4, अल्फा, दैट मीन्स 4, 8/3। मजा आया हो तो चैट बॉक्स में जरूर लिखना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार तुम लोग समझ रहे हो चीजों को। जल्दी करो,
हो गया। नेक्स्ट, आपको पता ही है, मैंने कहा है वीडियो पॉज करो और नोट करो, समझ गए दोस्तों? एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, अब अगर नोट करो तो, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 0 0। जल्दी से बताओ। 4, -4, 4, -4 एंड 6, 3। आपको मालूम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, आपको मैंने पहले ही बहुत अच्छे से बता दिया था सर्कम सेंटर। हम आप क्या चाहते हो, सर्कम सेंटर निकालना? सर्कम सेंटर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पहले भी पता है, और मेरी राय मानो, ए बी सी जो परपेंडिकुलर भी और मिड पॉइंट भी है। सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर भी है और मिड पॉइंट भी है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है? अब मिड पॉइंट, ये दोनों कोऑर्डिनेट दिए तो पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके ये निकाल लिया, ठीक है? इस लाइन का स्लोप इस पर परपेंडिकुलर है, शिफ्ट किया पॉइंट स्लोप इक्वेशन आ गए। सेम यही प्रोसेस इधर, दोनों को सॉल्व करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। बट हम इससे नहीं करेंगे, हमारे पास और सिर्फ सर्कम सेंटर नाम मालूम है, मेथड पता होना चाहिए। इधर देखिएगा, 2x1 2x2, समझ में? x1 y1, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं क्यों गलत कर रहा था, x1 x2 y1 y2, माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, जगह छोड़ते जाओ, माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, 2x1 x2, समझ में आ गया दोस्तों? 2x1 x2, फिर से सुन लो एक बार, समझ लो, 2x1 2x2, 2y1 2y2, माइनस x1 प्लस x2, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, 2x1 x2, रिपीट होगा, समझ गए दोस्तों? रिपीट होगा। अब दोस्त इन दोनों को ले लेना, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेना, तो ट्रायंगल वन आ जाएगा। फिर इन दोनों को लेना, इसको और इसको, तो ट्रायंगल टू आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इन दोनों को ले लेना, इसको और इसको, तो ट्रायंगल थ्री आ जाएगा। सर्कम सेंटर का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल टू अपॉन ट्रायंगल वन कॉमा ट्रायंगल थ्री अपॉन ट्रायंगल वन, ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको सर्कम सेंटर फाइंड आउट हो जाएगा। सर करके बताओ ना यार, मैंने कहा आ जाओ, यही क्वेश्चन को देख लो, यही क्वेश्चन को देख लो, 0 0, 4 -4 एंड 6 8 6 3। अब देखिए मैं कितने स्टाइल में करता हूँ जिससे आपको याद रह जाएगा। आइए, x1 x2 y1 y2 सॉरी x1 y1 x2 y2, ठीक है दोस्तों? आइए, 8 12, दूसरा इसमें -8 6। अब बताओ, इसको स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, 16 16 बाद 30 -32, आप एक किस करोगे इसका, 36। अरे बोलो ना, 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 9 45, -45। वापस रिपीट करो x1, यही वाला 8 12, ठीक है साहब? बोले सर डेल वन निकाल लो, डेल वन कैसे निकालोगे इस केस में, 48 प्लस 12, नहीं ऐसे माइनस चलेगा, 12 × 8 आपका हो गया 96। नालायक, भूल गई। तो इसके अंदर एक काम करो, आप इसमें से दो निकालो, चार निकालो, इसमें दे दो 100 100 144। अच्छा ये नेक्स्ट डेल टू निकाल लीजिए, डेल टू इसमें जल्दी से प्लस हो जाएगा,
45 8 36 है ना, समझ गए? इस केस में क्या 36 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 12 12 फिर ये आ जाएगा 1 192, समझ गए? ये डी टू आ जाएगा, डी टू कितना हो जाएगा 2 5 1 है ना। अब बताओ डी थ्री क्या आ जाएगा, डेल थ्री क्या आ जाएगा, वो मार डाला 32 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, समझ में आ गए? 32 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, या एक काम करो, रुको नहीं कर रहा, नहीं कर रहा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, रुक जाओ एक चीज याद आ गई मुझे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक चीज याद आ गई, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा अभी। एक चीज याद आ गई, याद आ गई, इसमें भी आसान कर सकता हूँ। यहां तक समझ में आया था सबको? मेरे को क्यों याद नहीं आ रहा था, समझ में आ गया? ऊपर वाले से पता है क्या कॉमन ले लो, 8 कॉमन लेके फेंक दो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 4 1। नीचे वाले से कॉमन पता है क्या आ जाएगा, आई थिंक 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा तो यहाँ जाएगा 4, यहाँ आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 15, यहाँ कितना आएगा 4। अब डेल वन निकालो ये, अरे कैलकुलेशन परेशान हो गया था, 2 प्लस 4 6, डेल टू परेशान हो गया था, 15 प्लस 8, और डेल थ्री 16 माइनस का प्लस का 15, दैट 23, और ये क्या आ जाएगा माइनस 1। तो भाई साहब सबसे पहले और तो सेंटर क्या लिखूंगा, डेल टू अपॉन डेल वन कॉमा डेल थ्री अपॉन डेल वन। आपको लगेगा कि नहीं यार आज हमने कुछ किया, अपॉन 6 कॉमा माइनस 1 अपॉन 6, ये मेरा आंसर है, समझ में आ गया दोस्तों? ये सरकम सेंटर फाइंड आउट, बहुत अच्छे से फाइंड आउट हो गया, इतनी अच्छी शॉर्टकट की मजा आ गया, समझ में आ गया? तुम्हें आया क्या मजा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अगर मजा आया है तो बात करो। ठीक है, दोस्तों नोट कर लिया होगा, मैंने आज टाइम भी दे दिया नोट करने के लिए। ओके ठीक है, वीडियो पोस्ट कर लेना, आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ठीक है अब देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट समझ गए? नेक्स्ट लिखिए यही वाला टाइप का क्वेश्चन, वाओ सर फाइंड द सर्कम सेंटर बाय द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स माइनस 2 3, अब बताओ 4 माइनस 1 एंड 4,0, 4,0, कोई बात नहीं, जस्ट चिल। मैंने फिर आपसे कहा, मैंने आपसे कहा एक कोऑर्डिनेट इसका 0,0 होना चाहिए, 0,0 होना चाहिए, तो डैट मीन्स मैं एक काम करूंगा, इसी को इससे माइनस कर दूंगा, यहां तो बिगड़ सोच समझे 0 लिख दो, अब माइनस करो 4 माइनस माइनस प्लस, अब क्या लिखूंगा -1 -3, अब बताओ 4 माइनस 2 कॉमा 3 माइनस 0
यानी 0 0, 6 माइनस 4, 6,3 ये आ जाएगा। आई थिंक आई एम राइट ना? नहीं, लास्ट वाला 3, 0 माइनस 3, ओके आई थिंक माइनस 3। तो ये देखिए x1 y1, x2 y2। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या बताया फिर से लिखते हैं। 2x1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 12। 2x1, 2x2, ये भी 12। 2y1 -8 -6, x1 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये कितना होता है 36, और प्लस 16, 36 और 16, 52 आई थिंक, 52 52। और इसका दूसरे वाले का इसका करेंगे तो कितना होगा 36 प्लस 9, 36 45, माइनस का वापस 12,12 लिख देंगे। आई थिंक इधर से कॉमन जा सकता है, आई थिंक इधर से भी कॉमन जा सकता है, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से इधर से कॉमन 4 जा सकता है, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 3। इधर से ओनली 3 कॉमन हो सकता है, 4 माइनस 2 माइनस 15 4। समझ में आ गया? डेल वन फाइंड आउट करो, ये कितना हो जाएगा -6 प्लस 8 2। अब डेल टू फाइंड आउट करो, ये वाला 30 34 आ जाएगा, 30 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। डेल थ्री तो ये -52 हो जाएगा, -45 हो जाएगा, हाँ +45, तो माइनस में आंसर आएगा इसका 7, समझ गए? और इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने का तरीका है डेल टू अपॉन डेल वन -7/2। ओके अब आपको कुछ नहीं करना, ये आ गया ना सरकम सेंटर, अब वापस जो इस पोजीशन में लाने के लिए उसमें ऐड करना पड़ेगा +2, -7/2 +3, तो आंसर 4 -4/2, -7 + 4 6 6/2, 0, -1/2, ये आपका सरकम सेंटर फाइंड आउट हो गया। कैसी लगी आपको ये क्लास, आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे समझ में आया। जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो पॉज करो और फटाफट नोट कर लो। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको सारा कोर्स अच्छे से ख़त्म कर लेना चाहिए। सेकंड, आप सारे बच्चों को नोट्स बना करके क्वेश्चंस बार बार लगाने चाहिए। नंबर थर्ड, टेस्ट प्रॉपर दो, टेस्ट दोगे तो फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगली वीडियो आपके लिए स्टेट लाइन लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। समझ में आ गया? ओके बाय बच्चों, टाटा।